जीतेंगे इस बार जंग हम, अरे जीतेंगे इस बार जंग हम, अरे जीते हैं इस बार जंग हम। बेसिकली हम लोग का जो मार्च था वो इसीलिए था क्योंकि अभी उन्होंने हमारे कैंपस में, आप लोग जानते हैं, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है, उसको एकदम नकारते हुए, मतलब 8 कंप्लेंट्स था और उस आदमी को एकदम खुला छोड़ दिया गया। उसके साथ साथ पूरा ऑटोनोमी का ये लोग जो ढकोसला कर रहे हैं कि आप फिर फीस बढ़ाइएगा, आप हर चीज़ बढ़ाइएगा, कोई गरीब तबके का इंसान पढ़ने नहीं आ सकता। और ये सिर्फ हमारा दिक्कत नहीं है, DU, जामिया, TES, AUD सब जगह से लोग आया था आज मार्च में, हमारे सपोर्ट में आया था और हम लोग शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग एकदम पीसफुली मार्च कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आके पुलिस ने हमला हम लोगों पे शुरू कर दिया। हमारे कांग्रेस को इन लोगों ने अंदर बंद किया हुआ है और बहुत बुरी तरीके से पीटा है। हम इतना रिक्वेस्ट किए कि मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन ये लोग एकदम नहीं माना और वो गंदा उसका पानी भी हम लोग के ऊपर फेंका गया। हम लोग एकदम पीसफुली मार्च कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि हमको पीसफुली आप लोग जाने दीजिए। ये एकदम गलत रवैया है पुलिस थाने में जो ये लोग करता है, और इस तरीके का एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। वी वर डूइंग नथिंग। जो इसमें लाठीचार्ज हुआ, मैंने बोला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, फिर भी पुलिस ने मुझे मारा। और देखिए मेरा हाथ लग रहा है कि फ्रैक्चर हो गया है, बहुत ये दर्द कर रहा है। ये जो छात्रों का मामला था उस पर डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे, इनसे जो भी हुआ ये जाना चाहते थे और रोक रहे थे उनमें हुआ, और मैं किनारे खड़ा था जबकि फिर भी आके पुलिस ने मुझे मारा। पुलिस को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, रस्सियों के सहारे से सड़क के एक किनारे से होते हुए हम लोग आराम से चल रहे थे। इसमें कोई भी रीज़न नहीं था, कोई भी कारण नहीं था कि सरकार हमसे डरे कि हम कोई वायलेंट हो जाएंगे। इसमें कोई भी कारण नहीं था कि हमको पुलिस आकर के रोके किसी एक जगह पे। लेकिन ये सरकार जिस बात से सबसे ज़्यादा डरती है वो यही है कि हम सवाल पूछते हैं, और हम सवाल उनसे पूछते हैं कि भाई आप जब बाजारीकरण करेंगे शिक्षा का, तो आखिर जो गरीब तबकों से, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शन से जो लोग आकर के पढ़ते हैं, उनको आखिर पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। It's not just the Delhi police, it's who's behind the Delhi police. So clearly what is happening here is that the Vice Chancellor is proving to the world that he and the government who appointed him stand for a serial sexual harasser, stand for what is clearly such grave injustice. We are talking about a sexual harassment free Mukt campus or a sexual harassment Mukt Samaj. And here you have the Prashasan and the administration standing in their favor. If they had given some justice, why would the students march? And once they have marched, why should the Delhi police stop them? Obviously, there's political patronage here and political support. We shall fight, we shall win. We shall fight, we shall win. Zindabad, Zindabad. यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए तो पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल की, हमारे पहले गाली गलौज किया, फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर लाठी चार्ज किया। स्टूडेंट यहाँ पे फिर भी टिके रहे, और उसके बाद इन्होंने 21 छात्रों को, छात्र छात्राओं को डिटेन किया और उनको बुरी तरह से पीटा। लड़कियों को पीट रहे थे मेल पुलिस वाले।